हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बातें। और आप हैं ज्योति के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? टाइटल पढ़ के आप लोगों ने पता लगा ही लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में। जी हाँ, ये वीडियो भावना व्लॉग्स, भविष्य व्लॉग्स, इंडियन ट्यूबर, इंडियन ब्लॉगर भावना और ऑसम इंडियन मॉम की भावना के बारे में है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग ये जान लें कि ये ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, इनके हस्बैंड का भी चैनल है और इस्टेब्लिश चैनल्स हैं। तो वीडियो बनाने की क्या खास ज़रूरत पड़ी है? वीडियो बनाने मैं इसलिए बना रही हूँ, पहले सोचा था नहीं बनाऊँगी, कल रात को इतना ड्रामा हुआ यूट्यूब पे। और जब चीज़ें बाहर आ जाती हैं, जब आप अपनी चीज़ें, घर की चीज़ें सड़क पे ले आते हैं, लोगों के सामने ले आते हैं, लोगों के सामने अपना पक्ष रखते हैं तो लोग भी अपनी राय रखते हैं। तो वैसे ही कल के इतना ज़्यादा लाइव स्ट्रीम वाले ड्रामे पे हर किसी की अपनी राय बन गई होगी, तो मैं भी अपनी राय रखना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि मैं किसको सपोर्ट करती हूँ। तो अभी हम ये नहीं बात करेंगे कि कौन सही है कौन गलत, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सही कौन गलत। हम 15-20 मिनट के व्लॉग के अकॉर्डिंग या उसके आधार पे हम किसी के बारे में कोई जजमेंट बना लें या कोई परसेप्शन बना लें, कोई अजम्पशन कर लें, ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैं पिछली बातों को ना लेकर मैं सिर्फ कल की बातों को डिस्कस करूंगी। तो शुरू से शुरू करते हैं। मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ होगा जिस भी बात पे, और कितने सालों से आ रहा, 15 साल उनकी शादी को हुए थे। जैसे कि कल बताया भावना ने अपनी तरफ का पक्ष जो रखा कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था, ये है वो है, वो स्ट्रेस में रहती थी, इसलिए वो मूव ऑन। ये पहले उन्होंने जब वो मूव करी तो उन्होंने बताया बहुत ही ग्रेस के साथ कि देखिए हमारी बनती नहीं थी और अब मैं वहाँ नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं अपनी बेटी और अपने पेट के साथ अलग हो रही हूँ। और उन्होंने एक अपना सेपरेट ले लिया। बहुत लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आप अलग रह रहे हो, तब भी उन्होंने नहीं बताया। ये उनकी अच्छाई थी। और मेरे ख्याल से हर एक जो महिला होती है वो अपने घर की बातों को पब्लिक में नहीं लाना चाहती है, बिकॉज वो नहीं चाहती है कि घर के हस्बैंड है और ससुराल वाले, हम नहीं चाहते कि हम किसी पे कीचड़ उछालें, क्योंकि अगर हम उछालेंगे किसी के ऊपर तो दो चार छींटे तो हमारे ऊपर आएंगे ही। उन्होंने नहीं किया। इस बात को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने फर्स्ट स्टेप नहीं लिया इस गंदगी को बाहर लाने के लिए। और जब उनके ऊपर आरोप लगा तभी उन्होंने बोला। तो कल जो लाइव स्ट्रीम हुई वो फर्स्ट लाइव स्ट्रीम हुई अभिषेक जी के चैनल से, वो लाइव स्ट्रीम आए। पहली बात तो ड्रंक होके आए, ऑन कैमरा वो सब दिखा रहे थे, हुक्का पी रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, तो ये बात बहुत गलत थी। आप जो है, आपकी बेटी देख रही है, अपने बेटी के सामने इस तरीके की आप करते होंगे, ये दिख गया एक पॉइंट टू प्रूव हो गया भावना का कि आप ड्रिंक करते थे अपने घर में, इस तरीके का माहौल रखते थे जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी बात ये है अभिषेक जी की जो मुझे बहुत ही बुरी लगी। मैं सिर्फ उनकी अभी की बातों को डिस्कस कर रही हूँ, मैं उनके फैमिली मैटर को नहीं डिस्कस कर रही हूँ कि उनके साथ पीछे क्या हुआ, कौन क्या था। जो जो कल लाइव स्ट्रीम में हुआ उसके आधार पर बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उसी के आधार पर बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और हम सब समाज में रहते हैं और हमने हमेशा ये सुना, अरे यार ये उनका मामला है, उनको निपटने दो, दूसरों के मामले में हमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए। शायद यही है, यही एक वजह रही है कि सोसाइटी आज इस मुकाम पे पहुंच गई, इतना क्राइम और इतने घरेलू अपराध बढ़ गए, क्योंकि हम किसी के घरेलू मुद्दों में जो है नहीं बोलना चाहते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं, लेकिन जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें अपने आस पड़ोस और अपनी हर सामाजिक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में अगर हम राय रखते तो खुल के बोलना भी चाहिए। तो वही मैं भी कर रही हूँ कि वो मेरी फेलो यूट्यूबर हैं, उनके एस्टैब्लिश चैनल हैं, मैं तो अभी मतलब शुरुआत है मेरी, तो मैं अपनी एक राय बताना चाहती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भावना जी को सपोर्ट करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, आज से नहीं बहुत पहले से करती हूँ, 1 साल पहले से। मैंने उनके बारे में कई बार उनके वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट भी किया कि मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। और जब उनका फर्स्ट व्लॉग आया है आफ्टर ब्रेकअप उनके, या मूव ऑन करने के बाद जो आया है, तब भी मैंने कहा था कि आप इतने दिनों से व्लॉग नहीं डाल रहे हो, इट मीन्स कि मुझे कुछ फीलिंग आ रही थी पहले से कि इतने दिन से आपके व्लॉग नहीं आ रहे, इट मीन्स कि कुछ तो गलत है, कहीं तो आप प्रॉब्लम में हैं।
तो उन्होंने एक छोटा सा हां जी वाला भी लिखा था, आंसर रिप्लाई किया था। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ अभिषेक जी आपसे कि पहले तो आप ड्रंक होके आए लाइव, ये बहुत बुरी बात थी। दूसरी बात, आपने एक्सेप्ट किया कि आपने भावना दृष्टि और कूपर यानी आपके पेट को गाड़ी में बिठाया और उन्हें उनके घर छोड़ के आए। तो यहाँ पे मुझे एक बात ये बुरी लगी कि आप फादर थे, चलो आपकी वाइफ से आपकी नहीं पड़ती, आप दोनों की नहीं बनती, आपके घर में झगड़ा था, एटलीस्ट एक बार आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना था। वो टीनेज में है, टीनेजर है वो, आप ही सोच सकते हैं कि इस समय एक टीनेज बच्ची को अपने बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे सुरक्षा चाहिए होती है, उसे गाइडेंस चाहिए होती है, उसे उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए माँ बाप का साथ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टीनेज एक आवेगों की, आवेशों की और उबाल की अवस्था होती है। इस में बच्चों को बहुत ही केयर के साथ संभालना पड़ता है, और आपने क्या किया, आपने तो उसकी ज़िंदगी में एक और तूफान ला कर खड़ा कर दिया। आपने ऐसी मतलब एक लाइव स्ट्रीम के जरिए, चलो वो बच्ची घर में जो भी देखती हो कम से कम समाज के सामने शर्मिंदा तो नहीं होती होगी, वो घर का ड्रामा घर ही में होता था, लेकिन आपने कल क्या किया, उसे शर्मिंदा कर दिया। अब क्या करेगी वो जब उसके क्लासमेट पूछेंगे, जब उसके जो है फ्रेंड सर्किल में इस बात की चर्चा होगी कि अरे इसकी मम्मी के बारे में ये बोला या मम्मी ने पापा के बारे में ये बोला, ये कितनी गलत बात है। आप इतने पढ़े लिखे, आपने कहा कि मैं मैन ऑफ द ईयर हूँ, कैसे मैन ऑफ द ईयर है, कैसे पढ़े लिखे, कैसे एक बहुत अच्छी कंपनी में आप जो भी जिस पोस्ट पे भी हैं, कैसे हैं, आपको इतनी अकल नहीं है कि आप अपनी फैमिली को कैसे करें। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वो लोग अलग, आप अलग, आपका जो भी प्रॉब्लम था, आपने कहा कि वो लिव इन में रही, उन्होंने कहा कि ये ऐसे थे वो वैसे, एक दूसरे के, सबसे पहले आपने करेक्टर पे पॉइंट आउट किया, आप जब किसी लेडीज के करेक्टर पे उंगली करेंगे तो सोचिए वो लेडी ब्लीड करेगी, क्योंकि करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हर इंसान के लिए, और लेडीज के लिए तो 10% 20% और ऊपर ही होता है उसकी इम्पॉर्टेंस। अगर कोई लेडीज़ के करेक्टर के बारे में कहने लगता है ना तो वो बिफर उठती है, तो वैसे ही उन्होंने भी किया, उनका रिएक्शन बिल्कुल स्वाभाविक था, नेचुरल था, क्योंकि जब आप ऑनलाइन जहाँ पर वो एक इस्टेब्लिश उनका एक जो है चैनल है, इतनी बड़ी उनकी ऑडियंस है, आप उनसे कह रहे हो कि ये करेक्टर लेस औरत ये है वो है, तो वो कुछ कहेंगी नहीं क्या, ये बताइए। वो भी तो अपना पक्ष, उन्होंने तो अभी तक बहुत ग्रेस के साथ आपके झगड़े को संभाल के रखा था, उन्होंने आपके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोला, आपकी फैमिली के खिलाफ एक वर्ड ना, आप उनके मम्मी का जो है बूढ़ी है उनका मजाक ऐसे ऐसे करके उड़ा रहे हो, उनके फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, चलो वो भी ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये कहा कि जो है मैं नहीं लाऊंगा, अरे यार ठीक है आप नहीं लाना चाहते, आप नहीं उनको उनके साथ रहना चाहते, आपकी नहीं बनती है, आप दृष्टि को भी नहीं रखना चाहते, ये आपकी बात शो करती कि आप कितने केयरफुल हैं अपनी फैमिली को लेके, आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते, बीवी से नहीं करते, चलो कोई बात नहीं कि जो है आप बीवी से नहीं करते, आप बेटी से तो करते, लेकिन आपका वो भी शो नहीं हुआ कि आपको बेटी की भी कोई परवाह है। तो जो है बच्चे की परवाह नहीं करता है तो वो बीवी की कितनी करता होगा, ये अब हम सबको समझ में आ गया है। दूसरी बात, आपने कहा कि मैंने कह दिया कि तू भी जा, तुझे नहीं रहना मेरे साथ तो तू भी अपनी माँ के साथ जा। तो देखिए बच्चा अगर वो साथ में गया, वो कोई एकदम छोटी गोद में बच्ची नहीं है, अगर वो अपनी माँ का सपोर्ट करने के लिए आगे कदम निकाल के अपनी माँ के साथ गई है, इट मीन्स कि वो जानती है कि उसकी माँ सही है और आप गलत है। आप इस चीज़ का बदला अपनी बेटी से ले रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है, और मतलब मैं इस बात के लिए बहुत दुखी हूँ कि इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करेगा या आगे जाके भी जो प्रॉब्लम फेस करेगा वो होगी दृष्टि, और मुझे दृष्टि के लिए बहुत दुख है, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो दौर है बहुत स्मूथली से कट जाए उसके जीवन का, और भावना के जीवन में भी शांति है। उसके आपने ये कहा कि ये औरत कैसे बोलती है, इसकी जबान देखिए, इसकी ये देखिए, इसकी वो देखिए, तो भैया आप बोलने के लिए मजबूर तो भी तो आपने किया, आपको क्या जरूरत थी ऑनलाइन आने की और लोगों से इतना कुछ कहने की, आप इस तरीके से तो आप उसकी भाषा को छोड़ दीजिए, आपने अपनी भाषा को देखा, आप तो अपनी जो है बीवी के साथ साथ व्यूवर्स के ऊपर भी ऐसे भड़क रहे थे जैसे कि वो ही आपकी पता नहीं क्या जो है
बुराइयां कर रहा हूँ। देखिए जब आप अपने झगड़े को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं तो लोगों के रिएक्शन तो आपको सुनने ही पड़ेंगे, लोगों का गुस्सा भी देखना पड़ेगा। और आपने जो भी किया बहुत ही गलत किया, कल की बात मैं कर रही हूँ, उससे पहले का मैं नहीं आपके ऊपर कोई जजमेंट करूँगी कि आप क्या या कैसे क्या किया, कोई बात नहीं। जितना सुनने में आया वो बहुत ही गलत लगा मुझे। भावना ने जितना भी बताया कि उसके साथ ऐसे ऐसे किया, कई बार हम लोगों ने फील भी किया है, लेकिन चलिए वो आपके अपने घर की अंदर की बात थी जब तक वो अंदर रही, लेकिन अब वो अंदर नहीं रही, अब वो आ गई है वाइट प्लेटफॉर्म पे। आप किसी के ऑडियंस को भड़का नहीं सकते। आपको ये तकलीफ हो रही है कि उसे व्यूज मिल रहे हैं, आपको ये तकलीफ हो रही है कि वो अच्छे से जी रही है, आपकी बच्ची खुश है, आपकी बीवी अलग रह के बहुत खुश है, तो जो है इससे आपको बहुत तकलीफ हो रही है। ये आपके फेस से पता चल रहा था, आपकी बातों से पता चल रहा था, आप बार बार सबको फोर्स कर रहे थे कि उसे व्यूज मत दो, उसे व्यूज मत दो। आप क्या चाहते हैं कि वो आपके पैरों में गिर के आ जाए, वो लाचार हो जाए, वो बेबस हो जाए, वो बेचारी हो जाए? क्यों भाई क्यों, जब उसके अंदर वो क्वालिटी है, लोग उसे पसंद करते हैं, उसे व्यूज दे रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपकी ज़िंदगी में अगर एक करेक्टरलेस औरत थी और अब वो निकल गई है तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप कह रहे मैं नहीं लाऊंगा, वो कह रही मैं नहीं आऊंगी, यहाँ से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। आपको आप अपने घर खुश रहो, वो अपने एक अलग अपार्टमेंट में खुश है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की लाइफ करने की और ज़िंदगी में और ड्रामा क्रिएट करने की। इतना ड्रामा क्या कम है आपकी बेटी और बीवी के लिए? आप भी शांति से रहो और उन्हें भी रहने दो। बाकी जो आपके घर के मसले हैं, आप दोनों की फैमिली के बीच के मसले हैं, उन्हें निपटाइए। और भावना को मैं ये कहना चाहूँगी, भावना आई लव यू एंड दृष्टि आई लव यू, आई सपोर्ट यू, मेरा फुल सपोर्ट है आपको। और मैं अपने जितने भी यहाँ पर जो भी ये वीडियो देखे, मैं उन्हें कहूँगी कि भावना ब्लॉग्स, इंडियन ब्लॉगर भावना एंड ऑसम इंडियन मॉम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। और अभिषेक जी से इतना ही कहना चाहूँगी कि आपने जो भी किया एक बार रिपीट देखिएगा कि आपने किस तरीके से लाइव की हैं, उसके बाद जो है आप सोचिएगा कि आपकी आप बीवी के बारे में बेशक मत सोचो, अपनी बेटी के बारे में सोचो। अगर आपको थोड़ी भी गलती लगती है अपनी तो उसे सुधारने का प्रयास करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी और बस मेरा सपोर्ट सारा का सारा दृष्टि और भावना को है। मैं चाहती हूँ कि उनके जीवन में पीस आए और आगे का जीवन उनका बहुत सुखी और शांति से बीते। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलूंगी अपने ब्लॉग और या वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा और खूब खुश रहिएगा।